विश्व गौरैया दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोगों के बीच उपस्थित हैं स्पायरोमैन आदरणीय श्री सुशील कुमार जी, और हम इनके प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं कि ये हम लोगों का हमेशा हाउस लाइफ जारी करते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में अनेक तरह का ये अभियान चलाते हैं गौरैया संरक्षण पर। फिर शादी या अन्य समारोह में शादी के बाद जो ग्लास होता है पानी पीने वाला ग्लास, उसको हम लोग यत्र तत्र फेंक देते हैं। हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर इनका अभियान कि उस ग्लास को हम लोग वहाँ एक रड, दो चार रड लगा दें और उसमें ही डाल दें। हर पीने पानी पीने वाला व्यक्ति जो यज्ञ में भोज में सम्मिलित हो रहा है वह उस ग्लास को उसमें डाल दे तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, इधर उधर नहीं, वह पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचाएगा। और उसको हम लोग बीज उगाने के काम में ला नर्सरी वाले को दे दें तो ये पर्यावरण में बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। हम लोग का तो चंपारण काफ़ी ऐतिहासिक है पूरे देश में, हम देश में जहाँ भी जाते हैं इसकी चर्चा करते हैं और मेरा भी थोड़ा मान सम्मान बढ़ जाता है कि चंपारण का नाम रखते ही मेरे प्रति लोगों का सम्मान का भाव बढ़ जाता है। राज्य से बाहर या जिला से बाहर अन्य जिलों में या अन्य प्रांतों में, उसी प्रकार हम जब भी राज्य से बाहर जाते हैं तो इनकी चर्चा जरूर करते हैं। वहाँ लोग इतना ना इनके नाम को और इनको सम्मान के साथ लेते हैं और इनके साथ साथ हम लोगों का भी नाम बढ़ जाता है, हम लोगों के जिले का भी नाम बढ़ जाता है। तो हम इसलिए इनका बहुत आदर कर रहे हैं, सम्मान करते हैं, आभार प्रकट कर रहे हैं कि हम लोगों का ये मान सम्मान बढ़ाते हैं। ये बहुत सारे अभियान चलाते हैं। अभी देख रहे थे कि साइकिल, अभी पर्यावरण में साइकिल की क्या भूमिका है। विश्व के बहुत सारे विकसित मुल्क जो है साइकिल की ओर अपना रुख कर रहे हैं, उस पर भी ये काम कर रहे हैं कि हम लोग साइकिलिंग करें, छोटे मोटे काम को साइकिल से निपटाएं। चंपा से चंपारण, गौरैया संरक्षण अभियान, फिर साइकोलॉजिकल कुछ मामले हैं। बहुत सारे लोग प्रताड़ना से ग्रसित होके, अवसाद से ग्रसित होके आत्महत्या तक कर लेते हैं, उस पर भी इनका अभियान चल रहा है। इन दोनों मनोवैज्ञानिक सब कार्य